तो दोस्तों हम लोग बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। भूल तो नहीं गए हमें? एक्चुअली मेरे पास कंटेंट की कमी हो रही थी और तुम जैसे आलसी कुत्ते जो मेरे दोस्त हैं, तुम मेरे को तो लाके दोगे नहीं कि इस पे वीडियो बना लिया कुछ, तुम कुछ सजेस्ट तो करोगे नहीं, तो मैं कंटेंट ही ढूंढ रहा था। हमारी कंट्री में लगभग 3 मिलियन लोगों को स्किजोफ्रेनिया है, जो कि बहुत ज्यादा है, एड्स से भी ज्यादा। एड्स है अराउंड 2.4 मिलियन लोगों को। इसका मतलब यह है कि स्किजोफ्रेनिया इज मच मोर कॉमन देन एचआईवी एड्स। पर पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स में हमें सिर्फ एचआईवी एड्स की अवेयरनेस देखने को मिलती है। इंडिया में अगर बच्चों में देखा जाए तो लगभग 11% बच्चों को एडीएचडी है, बल्कि ये रिकॉर्ड भी 2019 का है। अब हम 2024 में है तो तुम सोच सकते हो कि कितना बढ़ गया होगा। ये होता क्यों है? जेनेटिक्स, शुगर कंजम्पशन, वैक्सीनेशन, पुअर पेरेंटिंग या फिर टीवी और मोबाइल स्क्रीन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने से भी एडीएचडी हो सकता है। और ये बात तो हम जानते ही हैं, जब से शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का ट्रेंड आया है, जैसे कि रील्स, टिकटॉक, इन सब चीजों से लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो ऑब्वियसली उससे एडीएचडी के केसेस भी बढ़ गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के आर्टिकल के हिसाब से ज्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी के बारे में जो भी कंटेंट बनाते हैं वो मिसलीडिंग है। ये लोग बोलते हैं, अच्छा आपको अगर फ्रीक्वेंटली नर्वसनेस फील होती है आपके वर्क प्लेस में तो आपको जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जबकि नर्वस होना इज वेरी नेचुरल एंड कॉमन। ये मेंटल हेल्थ इशू तब है जब भी आपकी डे टू डे लाइफ पर इफेक्ट कर रहा हो बहुत ज्यादा। अब तुम लोग सोच रहे हो मैं इतना ज्ञान आज दे क्यों रहा हूँ, है ना, इसके जैसे गधों की वजह से। आपका नाम क्या है? विकास दास आइको। हाँ, दास आइको। और ये अकेला ऐसा नहीं है जिसको लगता है कि हैविंग अ मेंटल इलनेस इज कूल और समथिंग टू बोस्ट अबाउट। इसके जैसे और भी नमूने हैं, आपने अपने रियल लाइफ में भी बहुत देखे होंगे और हो सकता है आप खुद भी वही हो। तो आओ नजर मारते हैं फुल प्लेट भरवे करेलों पर। तुम लोगों ने 100% इस तरीके के एडिट्स जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। इन सब में से किसी और चीज का तो मुझे पता नहीं, 24/7 टर्न ऑन का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। जिस बंदे ने भी ये एडिट बनाया ना, 24/7 टर्न ऑन तो वो रहता ही होगा, क्योंकि उसके पास कुछ और काम है भी नहीं करने के लिए। ऐसे एडिट बनाने अपने आपको साइकोपैथ दिखाना है, साइकोपैथ। और मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे लोग तुम्हारे सामने आ जाएंगे ना और तुम इनसे ऊंची आवाज में भी बात कर दोगे, इनका पिशाब निकल जाएगा पेंट में। बन रहे अपने आपको होमलैंडर, नार्सिसिस्ट, इनसेन, अग्रेसिव। एक रील मेरे को और मिली, बहुत ही बेहतरीन। मेरे को इस रील से कोई लेना देना नहीं है, बट एक बार आप पहले रील देखो फिर बताता हूँ मेरे को प्रॉब्लमेटिक क्या लगा। तो ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट अपेरेंटली कुछ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है, जितना मुझे पता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इस रील में भी कुछ ऐसा खराब है नहीं, बट एक बार इस रील के नीचे कमेंट्स पढ़ो। नीड अ बॉयज एडिशन एसैप, दीदी थोड़ा पर्सनल हो गई, फेल्ट लाइक अ पर्सनल अटैक, ऐसा तारीफ कौन करता है बहन, कुछ ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो गए आप, इमोशनल डैमेज, यू डिडंट हैव टू अटैक मी लाइक दैट, हमारी बारी में इनको कैसे पता चला, वैसे तो बारे लिखा है बट पता नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं। जो लोग क्लेम करते हैं कि हम इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं इस रील से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुमने कमेंट तो मुंह फाड़ के कर दिया उस पे, लेजिट प्रूफ है, कोई रिकॉर्ड है कि तुम्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस चीज में कूल, इस रील के नीचे कूल बनने के लिए ये कमेंट कर रहे हैं कि रिलेटेबल रिलेटेबल, तुम्हारे पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड है ऐसा कि तुम्हें कोई क्लिनिकली प्रूव कर रहा हो दैट यू आर हैविंग अ मेंटल इलनेस? नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा, इतने लोगों के पास तो होगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों ने फ्री मेंटल हेल्थ टेस्ट भी नहीं लिए होंगे जो ऑनलाइन मिल जाते हैं ना वेबसाइट्स पे, पर अपने आपको कूल दिखाने के लिए बोल दिया, हम तो मेंटल पेशेंट है भाई, हमसे मत उलझना। 10 मीटर दूर तक गोली मारूं तेरे गांड पे। हमारे ऊपर तो किताबें लिखी जाती हैं, किताबें पढ़ते हैं हमें लोग, बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट पढ़ते हैं हमें। और ये सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है, ये हर जगह है। आपको एक फॉरेन से मिलाता हूँ। इस चिट्टी 5.0 ने अपने गाने में जेफरी डामर का नाम लिया है। जिन लोगों को नहीं पता जेफरी डामर कौन था, वो एक सीरियल किलर था, साइकोपैथ सीरियल किलर था, और सिर्फ सीरियल किलिंग नहीं करता था, वो कैनिबल भी था। तुम्हें और जानना है इसके बारे में, नेटफ्लिक्स पे इस पे एक सीरीज है डामर के नाम से, तुम लोग देख सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा कितना डिस्गस्टिंग इंसान था वो। जो उसके विक्टिम्स थे, उनकी फैमिलीज, उसके जो आसपास के पड़ोसी थे, उनपे क्या मेंटल ट्रॉमा हुआ उसके एक्शंस की वजह से। पर यहाँ पे गैंगस्टर वाइब्स देने के लिए गाने को, एकदम पार्टी रॉकर गाना बनाने के लिए जेफरी डामर का भी रेफरेंस यूज कर लिया, बोल रहा मुझे कि आई एम अ कैनिबल। एग्जैक्टली इसे कहते हैं वायलेंस को ग्लोरीफाई करना। पता नहीं क्या ही बन पहन।
कुछ इसको सुनेगा भी कौन यार ये, पर है कुछ मेरे को पता है कि सुन लेंगे इसको, अपनी प्लेलिस्ट में डाल के जिम में सुनेंगे, मेरे को मालूम है। गाना म्यूट कर दिया था बट इस रील के पीछे मैं तुम्हें बता देता हूँ कुन फायर कुन चल रहा था तुम्हारे इमोशंस खींचने के लिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस वीडियो पे, आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। भाई यार किस्सा सुनेगा ना तेरे को मजा आ जाएगा। मैं ध्रुव और दुपेश अपना स्कूल असेंबली में खड़े थे भाई, ठीक है। हमें पता नहीं लगा कि कब हम छोटे बच्चों की लाइन में खड़े हो गए स्कूल असेंबली में ना, तो छोटे बच्चे मतलब क्या किंडरगार्टन। हाँ मतलब बहुत देर बाद हमने रियलाइज किया कि जो बड़े बच्चों की लाइन है थोड़ी बहुत दूर है और हम तीनों छोटे बच्चों की लाइन में खड़े हैं, तीन हम चमक रहे हैं दूर से। अच्छा। और भाई प्रिंसिपल मैम स्पीच दे रही थी, व्हाई यू शुड ऑलवेज लिसन मोर एंड स्पीक लेस। अच्छा। और हम बोल रहे थे भाई, लगातार बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, अपने माँ बाप के किस्से सुना रहा था मेरे को ध्रुव, तो बस ऐसी बातें चल रही थी। अजय सर ने पीटीआई जो हमारे हैं उन्होंने टोका कि भाई रुक जाओ मत करो, मैंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फिर टोका, मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फिर टोका। इस बार प्रिंसिपल मैम ने बोला इन तीनों को ऊपर बुला, क्योंकि तीन दिख रहे थे हम अलग से ना। हाँ। और तीनों खड़े हुए, डर डर का माहौल था भाई। तो ध्रुव दुपेश को कहता कि तुम्हारे चेहरे से लग तो नहीं रहा था डर का माहौल भाई, वो इसलिए क्योंकि ध्रुव दुपेश से कहता कि तेरा बाप खड़ा साड़ी पहन के प्रिंसिपल मैम। इससे और हंसी आने लग गई और मुश्किल हो गई सिचुएशन, क्योंकि अब हंसी आ रही है और पिटने वाले। पर बात तो ये है कि वो सच में लग भी रहा था भाई। हाँ। और फिर वो जब वो आया तो फिर और लगने लगा, पास आया तो और लगने लगा, फिर हंसी आई। तो लेकिन जब वो पास आया तो सबसे पहले तो दुपेश खड़ा था, तो दुपेश बहुत हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था भाई। प्रिंसिपल मैम ने इतनी तेज चाटा दिया दुपेश का मुंह बन गया, दुपेश की इतनी मोटी मोटी आंखें हो गई और उन आंखों में ये लंबे लंबे आंसू। उसके बाद मेरी बारी आई, मैंने भाई ऐसे चल लिया, मेरे को पड़े दो चार चाटे, लेकिन फिर मैम का ध्यान गया ध्रुव, उन्होंने बोला अबे तू तू भैड़ भैड़ भाई, कुत्ता बनाया ध्रुव का। पता क्यों? क्योंकि ध्रुव बहुत बार पिटा गया, उसका फोन भी कॉन्फिस्केट कर लिया था और बहुत बार पिटा है वो, मतलब हर बार पिटा है, तो उसको देख के अलग ही ट्रिगर हो जाती है। हमने रियलाइज किया कि उस दिन सबसे ज्यादा अटेंडेंस थी पूरे स्कूल में और हम स्टेज पे खड़े थे भाई। मैं खड़ा था ना लाइन में, मेरे पीछे बोल रहे थे बच्चे अबे तेरा भाई है ना जो पिट रहा है भाई। उसी दिन से फेमस हो गए थे हम। ऊपर जा रहे तो सब लोग कह रहे थे कि तेरे को तीन पड़े, तेरे को चार मिनट का भाई, मेरे को चार पड़े, इसको तीन पड़े। मैं मतलब हर ढंग से देखा नहीं है तो एटलीस्ट बोलो मत प्लीज, चौड़ कम होती है, चौड़ कम होती है भाई। और भाई फिर सब जान गए कि भाई ये तीन आदमी है जिन्होंने 12वीं क्लास में स्टेज पर चाटा खाया। अब तो प्रिंसिपल मैम भी जानती है भाई, हवाबाजी है, बातचीत है, प्रिंसिपल मैम से भी अब उठना बैठना है भाई। वो ट्रॉमेटिक प्रिंसिपल मैम के लिए था क्योंकि उन्होंने ध्रुव को पांच ही बार चाटा मारा और उसकी मोटी चमड़ी हिल नहीं रही थी कहीं। देखो वैसे दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करना नहीं चाहिए किसी के भी स्टेट ऑफ माइंड का, हमें क्या पता कि क्या था। ऑब्वियसली हो सकता है कि इनके लिए ट्रॉमेटिक रहा हो, पर जस्ट फॉर फन हमने तुम्हें अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया। अगर इनको यही है तो भाई एक वीडियो डाल देते इंस्टाग्राम पे अवेयरनेस के लिए, अगर तुम्हें डालना था तो बना के डाल देते, बट नहीं, तुम नीचे कैप्शन पढ़ो, कैप्शन तीन चार पैराग्राफ का लिखा होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी, फिर तुम कॉमेंट करोगे, फिर तुम अपनी सिंपथीज दोगे। ये अपने ट्रॉमास को, मेंटल प्रॉब्लम्स को मोनेटाइज करना नहीं है तो और क्या है। Triggering breakup I've had in 9 years. हाँ जरूर, पहले आप कैमरा सेट कर लो, उसके बाद आराम से बैठ के रो 2-3 घंटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है और आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा है। मेडिकल न्यूज टुडे के एक आर्टिकल के हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिलीजियस डिल्यूजन्स। आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए आए लोगों के बीच में भगदड़ हो गई, ये वाली न्यूज तो सुनी होगी। आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। क्यों? इसमें अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचर जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने जिसको परमात्मा का दर्जा दिया उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते। रिलीजियस डिल्यूजन्स में भी मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन द बिलीफ ऑफ द डिल्यूजन। ऐसी अंधभक्ति है, पागलपन। इन आंटी को हम बोल सकते हैं कि ये है भाई साइकोपैथ। फिर क्या होगा, कभी आपके घर में शहद वर्षा हो जाएगी, कभी आपको रोटी के टुकड़े में भगवान दिख जाएंगे, कभी किसी की पान की पीक में भी आपको भगवान दिख जाएंगे। और अगर तुम सच में सोच के देखोगे ना इस बारे में, तो लोग इस चीज का शो ऑफ नहीं करते कि हमें मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो मेंटल प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपनी चीजों को छुपाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, अपने पुअर बिहेवियर का एक्सक्यूजेस देना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना, अपने एडिक्शंस और गंदी आदतों को जस्टिफाई करना, इन सब का एक ही एक्सक्यूज देना बंद करो कि मेरे को तो ओसीडी है
या फिर मुझे तो एंजाइटी हो रही है। तुमने अगर कोई चीजें खराब करी है तो तुम्हें ही सामने आके बात करनी पड़ेगी। अरे मैं क्या करूं, हो गया। तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते, और अगर तुम भाग रहे हो तो तुम कमजोर हो। सीधी सी बात, तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है नहीं। तुम्हें ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो अपने दोस्तों को चने की झाड़ पे चढ़ाते हैं। अरे भाई इससे पंगे मत ले, इससे बात मत करिए ना, इसको इसको एंगर इश्यूज है, ये साइकोपैथ है, तेरे को मार देगा, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगा, इससे फालतू पंगे मत लिया कर। खैर गलती इन छोटे बच्चों की भी नहीं है, बॉलीवुड और अलग अलग मूवीज देखकर इन लोगों का दिमाग खराब होता है और ये लोग सोचते हैं कि बीइंग साइकोपैथ इज समथिंग कूल। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही है, BCMC मूवी, जहां साइकोपैथ टर्म को बहुत ज्यादा कूल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े दो साइकोस की जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंटल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर तुम्हें डाउट है तो जाओ क्लिनिक में, जाओ गेट योरसेल्फ टेस्टेड। जब तक टेस्टेड ना हो तब तक मुंह फाड़ के बाहर आके बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पागल हूँ। इंटरनेट पे चार रील्स देख के या फिर इधर उधर गूगल पे आर्टिकल देख के अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करने की कोई जरूरत नहीं। ना तो ये कूल है, ना तो ये मैनली है। ये मैनली नहीं है यार। जॉर्डन पीटरसन ने एक बार बोला था कि लड़कियों को ज्यादातर वो लड़के पसंद आते हैं जिनमें थोड़ी नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, और क्राइम थ्रिलर सीरीज देख देख कर या फिर बॉलीवुड मूवीज वगैरह देख देख कर लोगों ने परसेप्शन बना लिया है कि बीइंग साइकोपैथ इज अ डार्क ट्रेट, इट मींस डोमिनेशन पावर, सो इट मींस कूल। और दिमाग से पैदा लड़के इस चीज का शो ऑफ भी करते हैं लड़कियों के सामने, बोल के दैट आई एम अ साइकोपैथ, मेरे घर में अगर तुम बेड खोलोगे तो तुम्हें विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। लोग हैं ऐसे एक्चुअली में, ये बोलते हैं और उन्हें पता नहीं है कितने बड़े बेवकूफ लगते हैं वो। मतलब सेक्स के लिए आदमी कितना नीचे गिर सकता। और लड़कियों में ये क्यों ज्यादा ट्रेंड फैल रहा है, हमें तो भाई मर्दों की बराबरी करनी है, बराबरी करो लेकिन जहां लेजिट हो वहां पे करो। लड़कों की लाइफ फक्ड अप चल रही है, वो उस चीज का बेमतलब का शो ऑफ कर रहे हैं सबके सामने, तो हमें भी करना है। अच्छा तू डिप्रेशन में, मैं भी डिप्रेशन में हूं। अच्छा तू स्ट्रेस में, मैं भी स्ट्रेस में हूं, मेरे पास तेरे से ज्यादा स्ट्रेस है। मानो ना मानो जैसे बीच में बुक्स पढ़ने का ट्रेंड चला था ना, वैसे ही अब अपने आप को मेंटल पेशेंट बताने का भी ट्रेंड चल चुका है। उसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि हम लोगों ना हर जगह हर चीज में चमकने की आदत है, अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। वैलिडेशन मिले, हर किसी की सिंपथीज मिले, अटेंशन मिले, इवन इफ इट मींस कि तुम अपने आप को ऑटिस्टिक बता रहे हो। मैं एक बात बोलूंगा, कूल दिखने के लिए, अटेंशन लेने के लिए बार बार अपने आप को मेंटल हेल्थ पेशेंट बताना बंद करो, या फिर अपने आप को साइकोपैथ बताना बंद करो, क्योंकि तुम रियलाइज भी नहीं करोगे बट एक दिन तुम वैसे सच में बन भी जाओगे। एक जो कैरेक्टर तुम पकड़ के चल रहे हो ना, जो तुम्हारी लाइफ में तुम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, एक दिन वो तुम्हारा पार्ट बन जाएगा, तुम वैसे ही हो जाओगे। अब इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लो कि कोई एक लड़की है जिसको ओबेसिटी है, नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, खा खा के प्रॉब्लम हुई है, ओवर ईटिंग कर करके उसको ओबेसिटी हुई है, तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि यू गो गर्ल, बॉडी पॉजिटिविटी, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लिव विद दैट, एंजॉय योर लाइफ। होगा क्या, वो अपने ऊपर काम तो करेगी नहीं अगर उसे वैलिडेशन 24 घंटे इस चीज की मिल रही है। शी माइट एंड अप टिल द एंड ऑफ हर लाइफ एज एन ओबीज वुमन, वो उसकी रियलिटी बन जाएगी। और यहाँ पे हो क्या रहा है, बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे तुम अपना आलस छुपा रहे हो, है कि नहीं? अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है रे, उसका सेकंड एपिसोड बहरूपिया देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हार गया, मेरी तालीम गलत थी, मैंने आपको कोई और ही समझा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दो हर चीज को लेकर, और इस चीज को ग्लोरीफाई मत करो, इस चीज को कूल मत बताओ। तुम कोई स्पेशल नहीं हो अगर तुम्हें ADHD है तो, यू नीड टू ट्रीट दैट। उस पे अटेंशन, फॉलोअर्स और सिंपथी मांगना बंद करो, और ये अवेयरनेस फैलाने वाला काम ना गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ना कि तुम लोगों को इनकी सुननी चाहिए जिन्होंने कभी अपना डायग्नोस तक भी नहीं करवाया। और मैं खुला बोल रहा हूँ, ये जितने भी है ना जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के नाम पे हत्थी मार रहे हैं 24 घंटे सोशल मीडिया पर, इनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ क्लाउट के लिए कर रहे हैं ये सब। डिप्रेशन और एंजाइटी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये मैं मानता हूँ। इसके फेजेस तुम्हारे लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, तुम डील करते हो उससे खुद या फिर किसी की हेल्प से। और अगर तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जाके टेस्ट करवाओ ना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्ञान दे दिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो, अब तो अच्छा कंटेंट भी बना है मुझे ऐसा लगता है। और लोगों को भी इस चीज पे अवेयर होना चाहिए कि यार अब बस बहुत हो गया, अभी इन सब चीजों से ना यार उन लोग की डिसरिस्पेक्ट है जिनको एक्चुअल में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। और अगर तुम्हारे सामने कोई अपने आप को साइकोपैथ बताए ना कि मैं तो कूल हूं, मैं तो साइकोपैथ हूं, उसका एक ही इलाज है, उसको ना जिल्लत दो, मजाक उड़ाओ उसका, खत्म बात भाई, मजाक उड़ाओ उसका जितना उड़ा सकते हो, ऐसे नहीं सुधरने वाले। एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, सेल्फ डायग्नोस्ड। दिस इज मी आयुष शर्मा साइनिंग ऑफ विद डाउन सिंड्रोम। मेरी जा दे।